हालाँकि तुम बेजान थे उसने तुम्हें पैदा किया फिर वो तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा कई फतक फ़ुरून बाद मुफस्सरीन का कौल है कि यहाँ मोमिन मुखातब हैं इसका मतलब ये है कि तुम किस तरह काफिर हो सकते हो हालांकि तुम जहल की मौत से मुर्दा थे

सब तुम्हारे लिए बनाया फिर उसने आसमान के बनाने का इरादा फ़रमाया तो ठीक सात आसमान बनाए और वो हर शय का ख़ूब इल्म रखता है इस आय मुबारक में माफिल अर्द जमीअन इन अल्फाज से पता चला कि सब कुछ हज़रत आदम सलाम और उनकी औलाद के लिए है ज़मीन की तख्लीक़ के बाद अल्लाह ताला ने इसको पहाड़ों से मुजन किया इसके बाद इसकी ख़ूबसूरती के लिए जो सबसे पहला दरख्त लगाया गया वो खजूर का दरख्त था इंसान के जिसम के साथ इसकी रूह की परवरिश भी होनी चाहिए इसलिए अल्लाह ताला ने अम्बिया और रसूल हर ज़माने में भेजें हदीसी मुबारक में आता है नबी पाक साहिब अलैहि सल्व वसल्लम, सिहबाई किराम रिदवानल आलिम अजमाइन में रौनक अफरोज़ थे कि एक बादल आया आपने फ़रमाया जानते हो ये क्या है तो सिहाबा किराम रिदवानल आलिम अजमाइन ने अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं हमारे आका सल्ह वसलम ने इर्शाद फरमाया ये बादल है अल्लाह ताली इसे ऐसी कौम की तरफ़ भेजता है जो उसका शुक्र नहीं करती ना ही उससे दुआ मांगती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानते हो तुम्हारे ऊपर क्या है तो सिहबा कराम रिदवानल आलि अज़माइन ने अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आसमान है फिर आपने फ़रमाया आसमान और तुम्हारे दरमियान किस कदर मुसाफत है तुम्हें पता है तो सिहबा कराम रिदवानल्हमैन ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं आप सल्ह वसम ने फ़रमाया पाँच सौ बरस की मुसाफत है फिर आपने सात आसमान गिनवा दिए और फिर आपने फ़रमाया इसके ऊपर अरश अजीम है जिसकी मुसाफत मज़ीद पाँच सौ बरस है ज़मीनों आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने आसमान में फ़रिश्तों को और ज़मीन में जिन्नात को सुकूनत दी जिन्नात ने फसाद अंगेज़ी की तो अल्लाह ताला ने मलाइका की एक जमात को भेजा जिसने इनको पहाड़ों और जजीरों में निकाल दिया आज का सबक हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं इन अगले सबक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अल्लाह ताली हम सब का हामीनासर हो السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته